गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए देवता को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। आप प्रणाम स्वीकार करें। आज से ध्यान की एक छोटी सी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें ध्यान के बारे में स्थूल रूप से ध्यान की साइंस, ध्यान के सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, योगी हुए हैं, सभी ने हमें समझाने की कोशिश की है, ईश्वर, भगवान, परमात्मा हमारे अंदर हैं, पर हम उसको बाहर ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे दुख, सुख, हमारे कष्ट, हमारी ऐश्वर्या, हमारी प्रोग्रेस, उसमें उसके कर्ता भी हम हैं। और जो प्रॉब्लम आती हैं हमें, बीमारियां आती हैं हमें, उसके कारण भी हम हैं। कहते हैं ना, मन ही करता, मन ही भोगता, मन ही धरता। इस शरीर रूपी मंदिर में चक्रा के रूप में छह शक्तियां निवास करती हैं, और जो सातवां चक्र है वो भगवान के साथ हमें एक कर देता है। हम क्रमशः एक एक चक्रा को लेंगे। हमारी सबसे जो पहला चक्र है, जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, उसके नीचे है उस जो हमारी बॉडी का आधार है, उसको मूलाधार चक्रा भी कहते हैं, उसको रूट चक्रा भी कहते हैं, हम आसान भाषा में फर्स्ट चक्रा कह सकते हैं। ये चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है, जिस व्यक्ति का भी मूलाधार चक्रा जागृत होगा, एक्टिवेट होगा, अच्छी स्थिति में होगा, वो बहुत एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा और बहुत सहनशीलता होगी उसमें, क्योंकि मूलाधार चक्रा पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, धरती मां से जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे जो चक्रा हमारा जागृत होता है, इसकी अवस्था चेंज होती है, तो व्यक्ति में धरती मां जैसे गुण आने लगते हैं। वो धरती मां के गुण क्या क्या हैं? आप देखें, जितने भी डायमंड हैं, सोना है, अच्छे अच्छे फल हैं, चांदी है, तांबा है, जो भी कुछ है दुनिया में, सब धरती मां से पैदा होता है। और जैसे जैसे आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, आपकी जिंदगी में पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं रहता है। इस बात को ध्यान से सुनना। जैसे धरती मां कितने तरह तरह के पौधे, तरह तरह के फूल, जल, पानी, हवाजू, कितनी कितनी धरती मां अच्छी अच्छी चीजें देती हैं, जिसकी हम गिनती नहीं करेंगे।
और जैसे जैसे आप इस चक्रा के समीप होते हो, आप धरती मां के समीप होते हो, आपको पृथ्वी मां से प्यार होने लगता है, आपकी बागवानी में रुचि होगी, आप धरती का जो देवता है किसान, उसके प्रति आपकी श्रद्धा पैदा होगी। मूलाधार चक्र का मूल तत्व पृथ्वी है, धरती है। आप देखें कि धरती मां नाराज कब होती है, धरती मां तो प्रसन्न रहती हैं, सहन करती रहती हैं, पर बड़े बड़े पीरों ने, फकीरों ने, सिद्ध पुरुषों ने, महापुरुषों ने कहा है, धरती मां कहती है बच्चों मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, मेरे ऊपर आप नदियां खोद लो, आप घर बना लो, आप फैक्ट्रियां लगा लो, गंदा बंदा पानी छोड़ दो, मेरी कितनी भी खुदाई करो मैं खुश होती हूं। कब धरती मां नाराज होती है? जब आप थैंकलेस होते हो। धरती मां कहती है मैं सब वजन सहन कर सकती हूं, पर जो थैंकलेस व्यक्ति है उसका वजन मैं नहीं सहन कर सकती, चाहे वो गुरु के प्रति थैंकलेस हो, वो दोस्तों के प्रति थैंकलेस हो, वाइफ के प्रति थैंकलेस हो, हस्बैंड के प्रति थैंकलेस हो, बच्चों के प्रति थैंकलेस हो, किसी के भी प्रति जो कृत घन व्यक्ति है, जो नाशुक्रा व्यक्ति है, जो थैंकलेस व्यक्ति है, मां कहती है मैं उसका वजन नहीं सहन कर सकती। आप देखो थैंकलेस व्यक्ति कितना पापी होगा। और जहां तक की स्थिति है कि जब आप थैंकलेस व्यक्तियों के पास बैठते हो उनकी वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशन भी खराब होती है। आप जितना ऐसे व्यक्तियों से दूर रह सकते हो दूर रहने की कोशिश करो। थैंकलेस व्यक्ति, कृतघ्न व्यक्ति कोरोना की तरह ही है, बचो इनसे। और आप बेटा कभी भी थैंकलेस नहीं होना, सभी के प्रति शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया तो शुक्रिया, कभी बस में ट्रेन में फ्लाइट में आप बैठने लगे हो किसी ने स्माइल दी तो शुक्रिया, सुबह से शाम तक जैसे जैसे शुक्रिया करते हो वो परमात्मा खुश होने लगता है और आपका जो मूलाधार चक्र है मजबूत होने लगता है। जब मूलाधार चक्र सही अवस्था में नहीं होता तो आप सुस्त होते हो, आलसू होते हो, आप कारोबार में सेटल नहीं हो पाते हो, जीवन में सुखों को एंजॉय नहीं कर पाते हो, दूसरों की निंदा करके आपको खुशी होती है, दूसरों को डाउन करके आपको खुशी होती है, दूसरों का बुरा सोच के आपको खुशी होती है, और जैसे जैसे आप इसके उल्ट चलते हो तो आपका मूलाधार चक्र बहुत मजबूत होता है। इससे जो सीखा ग्रंथों में पढ़ा और मेरा अपना अनुभव आप लोगों के साथ, आपके साथ हजारों लोगों का अनुभव, उसकी बात कर रहा हूं। ये तो आसान बात है, हम इसको कर सकते हैं, फिर कभी डिटेल में इसके लिए चर्चा करेंगे, कम वक्त है। मूलाधार चक्र से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं, और जो हमें अलग अलग बॉडी को स्पिरिचुअली प्रभाव देती हैं, प्रभाव करती हैं, और मूलाधार चक्र के मध्य में 3 नाड़ियां और निकलती हैं जो हमारे सीधा आज्ञा चक्र तक जाती हैं, कलेक्टिव माइंड तक जाती हैं, लेफ्ट चंद्र तत्व ईड़ा, राइट पिंगला सूर्य तत्व,
और दरमियान में सुषुम्ना, इनका भी स्पिरिचुअली बहुत महत्व है। नेक्स्ट संडे को इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो स्वर हमारा चल रहा होता है उस स्वर के मुताबिक हमारा जीवन चल रहा होता है। अगर व्यक्ति स्वर की साधना को साध लेता है, श्वास की साधना को साध लेता है, आप सोचो तो साधना के द्वारा बहुत कुछ कर लेता है और पूर्ण होने लगता है। आपने देखा होगा ऐसे सांस लेंगे, कभी आपकी लेफ्ट सांस चलती है, कभी राइट चलती है, कभी दोनों चलती हैं। मूलाधार चक्र के गणेश देवता हैं और मां लाकिनी शक्ति हैं। जैसे जैसे हम इन शक्तियों को जागृत करते हैं, हम प्रोग्रेस में चलना शुरू करते हैं, प्रोग्रेस के रास्ते खुलते जाते हैं। और प्रोग्रेस मीन के लिए धन दौलत से नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट, संतान के बारे, बच्चों के बारे, घर के बारे, समाज के बारे, आध्यात्मिकता के बारे। हमें जैसे ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी है तो इस शक्ति को खुश करने के लिए अब धरती से जुड़े, धरती पर नंगे पांव चलें, ग्रास पे चलें, और धरती से जुड़े मीन ईगो ना आए, धरती से ही जुड़े रहें। कितनी भी प्रभु ने कृपा कर दी, धरती से जुड़े रहें। माफ करने से, माफी देने से ये शक्ति और बढ़ती है। जैसे जैसे आप कारोबार में सोशली आगे बढ़ जाते हैं, आपकी ईगो आती है, आप क्या करते हैं, कुछ अच्छा हो गया तो मैंने किया, गलत हो गया तो दूसरों को दोष देने लगते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं। इससे अच्छा हुआ तो ईगो आ गई, मैंने किया, आप गए फिर नीचे आ गए। कभी कभी धरती से भी नीचे चले जाते हैं, ऊपर उठ नहीं पाते। जो व्यक्ति बार बार तरक्की करने की सोचते हैं नीचे चले जाते हैं, जो सुखों को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बार बार विचार बदलते हैं। विचार बदलने चाहिए, एक काम में पड़ गए उसके लिए विचार पॉजिटिव पॉजिटिव करें। आज आप कुछ सोच रहे हो, पढ़ कुछ रहे हो, करने लगे हो तो कुछ कर रहे हो, तो आपकी आपकी बात नहीं बनेगी। आपकी जिंदगी में जो भी करें सब कुछ मन वचन कर्म भाव से करें। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो मूलाधार चक्र को मजबूत करने की कोशिश करें, एक्टिव करने की कोशिश करें। अभी आज गणेश जी का मूल मंत्र, मूल शब्द और मां लक्ष्मी देवी जी का मूल मंत्र का जाप करेंगे। गणेश भगवान की प्रतिमा को आप जानते हो, मां लक्ष्मी देवी पांच मुख वाली, दस हाथों वाली, लाल वस्त्र पहने हुए, अलंकार पहने हुए, प्रसन्न अवस्था में। और जैसे इस मंत्र को करेंगे दोस्तों, ये जो रिंग फिंगर है हमारी, अंगूठे के से उसको दबा लें और ऐसे हाथ ऐसे करना है, ऐसे अंगूठे से दबा के नीचे से जो बेस है इस हाथ से अंगूठे को पूरा प्रेस करें। ये भी पृथ्वी तत्व की ऊर्जा है, उंगली की ऊर्जा। अनामिका उंगली और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से है और सूर्य भगवान से भी है। और पृथ्वी तत्व किससे जुड़ा है, सोना भी पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। इसीलिए आज तक
जो रिंग सेरेमनी करते हो, रिंग पहनाते हो, इस उंगली से पहनाते हो, इस उंगली में पहनाते हो, गोल्ड इसी उंगली में इसीलिए पहनते हैं, इससे भी पृथ्वी तत्व का विकास होता है, मूलाधार चक्र विकसित होता है। अभी आप मंत्र का जाप करेंगे, गंगन में लंबन में, और ऐसे हाथ को अपने यहां रख लें किसी भी तरह से, पर वहां प्रेशर करके रखें, अनामिका उंगली के नीचे, रिंग फिंगर के नीचे, जैसे अक्यूप्रेशर करते हैं ऐसे जोर से दबा के रखें। लम्न में गंगन में, गंगन में लम्न 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 में। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें और मूलाधार चक्रा में पूरा ध्यान दें। गंगन में लम्न में, गंगन में लम्न में, गंगन में गंगन में लम्न में, 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 गंगन में लम्न में। मन में मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करने का ढंग वही है, ऊंची ऊंचे स्वर में, फिर धीमे स्वर में, फिर खेचरी मुद्रा के साथ मन में। गंगन में लम्न में, गंगन में लम्न में, गंगन में लम्न में, गंगन में लम्न में। आपको इस मंत्र को श्रवण करना है, मन में मंत्र का जाप करना है, और पूरा का पूरा ध्यान आपका मूलाधार चक्रा में। जैसे छह देवियां हमारे शरीर में निवास करती हैं छह चक्र के रूप में, सातवां चक्र हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं, ऐसे ही हमारे फ्रंट में चक्राज हैं, ऐसे ही हमारे बैक में चक्र हैं। जैसे जे चक्र एक्टिवेट होते हैं, फिर उनके उनको भी एक्टिवेट करना चाहिए। ऐसे ही यह हमारी स्थूल बॉडी है जो आप देख रहे हो, ऐसे ही एक हमारा सूक्ष्म शरीर है, फिर विद्युत शरीर है। जैसे जैसे आपका मूलाधार चक्र मजबूत होता है, सूक्ष्म शरीर मजबूत होने लगता है।
और ये सूक्ष्म शरीर कहीं भी जा सकता है। आपने सुना होगा कि कितने संत महात्मा ध्यान में समाधि में चले जाते थे, कई कई दिनों तक वापस आते थे, और कुछ लोगों ने उनको वहां भी देखते थे, वहां भी देखते थे, वहां भी देखते थे कि सूक्ष्म शरीर कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी रूप में कहीं जा सकता है, पर प्रोटेक्शन के लिए जे कमाल की दौलत दी है भगवान ने। ध्यान से, सिमरन से, पूजा से, माता पिता की सेवा से, लोगों की दुआओं से, गुरु की सेवा से और परिवार के प्रति अपनी ड्यूटी निभाने से, सच्चाई से, ये सूक्ष्म शरीर बहुत मजबूत होता है। जब सूक्ष्म शरीर मजबूत हो जाता है तो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नजर, इवन आपके जो बुरे ग्रह होते हैं वो भी अनुकूल होने लगते हैं, वो भी ठीक होने लगते हैं। दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं कि आप करें जरूर ध्यान को, इस पे चर्चा ना करें। सत्संग से भी आप ध्यान में चले जाते हो, संगीत में भी आप ध्यान में चले जाते हो, जैसे सत्संग में बैठे हो, संगीत में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, आप सीधे हो करके बैठ जाएं और अपने मूलाधार चक्रा को ध्यान करें। जैसे आज आपको वक्त लगा और आप धीरे 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 अभ्यास करेंगे तो मूलाधार चक्र आपका जागृत हो जाएगा, क्योंकि पहले आप बहुत महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो लगातार ध्यान कर रहे हैं उनका तो मूलाधार चक्र बहुत जल्दी जागृत होगा। जैसे आपको कहा कि आप पृथ्वी के क्लोज रहें, कितने भी ऊपर चले जाएं, कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, धरती से जुड़े रहें, धरती पर रहें, मां पृथ्वी का मान सम्मान करें, धरती मां का मान। जैसे आप ऊपर उठते हो बेटा, आप प्रोग्रेस करते हो तो आपको अहंकार, ईगो, थैंकलेस होना आपको बहुत डाउन कर देता है। उससे ऊपर उठने में फिर आप जोर लगाते हो, फिर स्थिति हो जाती है कि ट्रेडमिल जैसा हो जाता है, आप चलते तो बहुत हो, भागते बहुत हो, पहुंचते कहीं नहीं हो। जितना भगवान का, माता रानी का, ईश्वर का, गुरु महाराज का, माताजी पिताजी का शुक्रिया कर सकते हो, थैंक्स कर सकते हो उतना करो। परिवार का शुक्रिया करो, दोस्तों मित्रों का शुक्रिया करो जिन्होंने आपके लिए दिन रात एक किया। कभी कभी खाने में हरी मूंग जरूर खाओ। मां लक्ष्मी देवी जी का जो भोग है, हरी मूंग और चावल है, कभी कभी हरी मूंग और चावल मां को भोग लगाओ मन ही मन में और खाओ भी जरूर। इससे भी मूलाधार चक्र मजबूत होता है। हम पृथ्वी मुद्रा करते करते अपने श्वास की ओर ध्यान देंगे।
उंगलियों के पोर आगे से जुड़े रहें, हाथ जोड़ करके पूरा धार शक्ति का, मां लक्ष्मी जी की शक्ति का, भगवान गणेश जी का धन्यवाद करें। हे पृथ्वी मां, हे लक्ष्मी मां, हे गणेश भगवान, मेरे मूलाधार चक्र को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। इस चक्र का रंग लाल है, धीरे धीरे इस मुद्रा को ऐसे ही रखेंगे, थक जाएंगे तो हाथ नीचे कर लें, गहरा सांस लें, गहरा सांस लें, जितना रोक सकते हैं रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। जब गहरी सांस लें तो पेट फूलना चाहिए, नाभि तक सांस लेना चाहिए गहरा, और धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। अपनी श्वास को, अपने प्राण को, अपने सांस को पूरा पूरा ध्यान देना। सीधे होके बैठें, आप चेयर में बैठें, सोफे पे बैठें, पालथी मार के बैठें, जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठें, अर्ध पद्मासन में बैठें, श्वास भरें, निकालें, साक्षी भाव से देखें। धीरे धीरे इस मुद्रा को कैंसिल करेंगे और आप अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। आपके इष्ट माता जी हों, गणेश जी हों, साईं बाबा जी हों, विष्णु जी हों, कृष्ण जी हों, गुरु जी हों, कोई भी हों, उन इष्ट का ध्यान करें। ध्यान करते करते अपने इष्ट देव के साथ प्यार करें, श्रद्धा से समर्पित हो जाएं।
पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाएं अपने गुरु महाराज जी को, अपने इष्ट देव को, अपनी कथा व्यथा, अपनी हर स्थिति उनको कहने की कोशिश करें। आपके इष्ट जी ने, माता जी ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा कर दी, आपका गोल पूरा कर दिया, प्रसाद रूप में आपका संकल्प पूरा कर दिया। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका संकल्प है, उसको पूरा हुआ सोचें, सोचें पूर्ण हो गया, महान कृपा कर दी। जो संकल्प पूरा होने के बाद जैसी अवस्था सोचते हैं, वैसी ही स्थिति को सोचें। बस भगवान का, माता रानी का थैंक्स करें, शुक्रिया करें कि माँ तेरी बड़ी कृपा, माँ तू बड़ी बहुत कृपा करती है, माँ उसकी कृपा के बिना हम ध्यान में भी नहीं बैठ सकते, उसकी कृपा के बिना तो मांग भी नहीं सकते, उसकी कृपा के बिना सांस भी नहीं ले सकते। हे माँ आप हमें अच्छे मार्ग पे लगाए रखना, माँ कृपा करना, कृपा करना महारानी, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। बस मां का धन्यवाद करते करते न्यूर पंख मुद्रा करें। धीरे धीरे मूल पंख मुद्रा को कैंसिल करेंगे, आंख खोलेंगे, हाथों को देखेंगे और ऐसे टच करेंगे। अंजलि मुद्रा करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् श्री गुरवे नमः। हे मां सभी पे कृपा करना भगवती, सभी के गोल पूरे करना और अपने चरणों में लगाना महारानी। नेक्स्ट रविवार को इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कहता हूं कि हम सभी ध्यान के स्टूडेंट हैं और एक एक चक्रा के ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है टाइम लगे पर आपका के आपके सातों के सातों चक्र सिद्ध हो जाएं।
आपको किसी के भी पास ना जाना पड़े अपनी समस्याओं के लिए, आप खुद अपने मालिक बने और आप ऑर्डर दें अपनी शक्तियों को कि हमें क्या चाहिए, वो आपको लाके देंगी, आपके गोल पूरा करेंगी, आपके संकल्प पूरा करेंगी। महारानी बहुत बहुत कृपा करें, बैठी हुई महारानी को, परमात्मा को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं।